दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। सांप काट लेता है तो क्या करें? कम से कम खर्चे में या बिना खर्चे में उसका इलाज कर सकते हैं। बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं। एक इलाज तो आपको बिल्कुल फ्री का बताता हूँ, जिसमें कुछ भी खर्चा नहीं होता। सांप काटता है तो पहले तो आपको मैं एक जानकारी दूं कि भारत में करीब 550 किस्म के सांप हैं, 550 वैरायटी है। जैसे कोबरा है, वाइपर है, रसल्स वाइपर है, करेट है, ऐसी 550 किस्म की सांपों की वैरायटीज हैं, जातियाँ हैं। इनमें से मुश्किल से 10 सांप हैं जो जहरीले हैं, सिर्फ 10। बाकी सभी नॉन पॉइजनस है। इसका मतलब क्या हुआ? 540 सांप ऐसे हैं जिनके काटने से कुछ नहीं होगा, आपको बिल्कुल चिंता मत करिए। लेकिन सांप का डर इतना है कि कई बार वो हार्ट अटैक से मर जाता है आदमी। जहर से नहीं मरता, कार्डियक अरेस्ट से मर जाता है, हार्ट अटैक से मर जाता है। तो वो डर बहुत होता है मन में, तो ये डर निकलना चाहिए। और ये डर तब निकलेगा जब आपको ये मालूम है कि 550 किस्म के सांपों में सिर्फ 10 हैं जो जहरीले हैं, जिनके काटने से कोई मरता है। उनमें सबसे जहरीला जो सांप है उसका नाम है रसल्स वाइपर, उसके बाद है करेट, फिर है वाइपर, फिर है कोबरा, किंग कोबरा जिसको आप कहते हैं, काला नाग। ये चार तो बहुत ही जहरीले हैं। अगर इन्होंने काट लिया है तो 99% चांसेस हैं कि डेथ होगी। लेकिन आप अगर थोड़ी होशियारी दिखाएंगे तो आप पेशेंट को बचा सकते हैं। होशियारी क्या दिखानी है? सांप जब भी काटता है तो उसके दो दांत हैं। आप अगर उसका मुंह खुला हुआ कभी भी देखेंगे तो सामने के दो दांत होते हैं, उनमें पॉइजन है, और वो ऐसे करके मारता है तो दोनों दांत अंदर घुस जाते हैं और ब्लड में वो छोड़ देता है अपना पॉइजन। तो फिर ये पॉइजन ब्लड में मिक्स होके ऊपर की तरफ चलता है। मान लीजिए यहाँ काटा है तो यहाँ से फिर ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा और हार्ट तक पहुँचेगा, फिर पूरी बॉडी में आएगा। पाँव में काटा है तो नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, फिर हार्ट में आएगा, फिर बॉडी में। कहीं भी काटेगा तो हार्ट तक जाएगा और पूरे ब्लड में, पूरी बॉडी में उस जहर को पहुँचने में 3 घंटे लगेंगे। मतलब यह है कि पेशेंट 3 घंटे तक तो नहीं ही मरेगा। जब पूरे ब्रेन के एक एक पार्ट में जहर पहुंच जाएगा, हर जगह जहर पहुंच जाएगा, तभी उसकी डेथ होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो 3 घंटे का टाइम है आपके पास पेशेंट को बचाने के लिए। तो उस 3 घंटे में आप थोड़ा कुछ कर लें तो बहुत अच्छा है। क्या कर सकते हैं? सबसे आसान एक तरीका है कि हमारे घर में एक पुराना कोई इंजेक्शन सिरिंज वाला होता है जिससे हम इंजेक्ट करते हैं, तो उसमें आगे जो सुई वाला पार्ट है उसको कट करना है ब्लेड से। इंजेक्शन में आगे जो सुई निडल लगाते हैं, सुई को काटना नहीं, नहीं, सुई को जहां लगाते हैं वो पार्ट कट करना है, प्लास्टिक वाला। यस। तो जैसे ही आप उसको कट करेंगे तो वो एक सक्शन पाइप के जैसा हो जाएगा इंजेक्शन, है ना, पाइप जैसा हो जाएगा। पीछे उसमें खींचने के लिए सक्शन हो गया और आगे वो होल है। तो आपको सिर्फ ये करना है कि बॉडी में जहां भी सांप ने उसको काटा है वो दोनों पॉइंट्स आपको ढूंढने हैं और वो इजीली लोकेट हो जाते हैं। कैसे लोकेट होते हैं? जहां भी सांप काटता है तो वहां सूजन आ जाती है, तुरंत इमीडिएट स्वेलिंग आ जाती है। तो बॉडी में कहीं भी हिस्सा फूला हुआ आपको दिख गया तो बस वहीं ढूंढेंगे, दोनों निशान उसके दांत के दिख जाएंगे, टॉर्च लगा के देखेंगे तो बिल्कुल साफ दिखते हैं। अब क्या करना है कि जो इंजेक्शन आपने सिरिंज वाला आगे से कट कर दिया जहां पे निडल लगाते हैं, तो उसका जो होल है उसको जहां छेद है वहां पे रख के खींचना है, पीछे से सक्शन पाइप की तरह से उसको यूज करें। तो जैसे आप खींचना शुरू करेंगे तो वैक्यूम बन जाएगा। आप जानते हैं बच्चे लोग पिचकारी का इस्तेमाल करते हैं,
जब होली आती है तो एक पिचकारी आती है ना, खींचते हैं फिर उसको पंप करते हैं, वैसे ही कुछ इंजेक्शन को यूज करना है इसमें। इंजेक्शन के आगे जहां निडिल लगती है उसको ब्लेड से कट करना है, तो वहां पर एक होल बड़ा हो गया। उस होल को एग्जैक्टली जहां पे सांप ने काटा है, जो पॉइंट आपको दिख गया, मैंने कहा ना सूजन आएगी, लाल पड़ जाएगा, वहां पे दोनों पॉइंट उसके दिखाई देंगे, दांत के दो निशान, वहां पर आपको जो इंजेक्शन का होल है उसको रखना है ऐसे करके, और पीछे जो उसका सक्शन की तरह से काम, खींचना है उसको। जैसे ही आप खींचना शुरू करेंगे तो पूरा इंजेक्शन जो है ना सिरिंज, वो चिपक जाएगा। चिपक गया तो इसका माने वैक्यूम क्रिएट हो गया, फिर आसानी से जब आप खींचेंगे तो सारा ब्लड उसमें भर जाएगा और ब्लड के साथ सारा पॉइजन भी उसमें निकल आएगा। आप एक बार खींचेंगे कुछ ब्लड निकलेगा, फिर वहां पे दूसरा वाला निशान है वहां रख के एक बार खींचेंगे फिर कुछ ब्लड निकलेगा। जब तक ब्लड निकलता रहे आप उसको खींचते रहिए, और जब ब्लड आप निकालेंगे फर्स्ट टाइम में तो आप देखेंगे वो थोड़ा ब्लैकिश होगा, ब्लड उसका रंग डार्क होगा, ब्लैकिश होगा, तो समझ लीजिए इसमें पॉइजन मिक्स हो चुका है, पॉइजन मिक्स हो चुका है। तो जब तक वो ब्लैकिश और डार्क रेड कलर का ब्लड निकलता है दो तीन बार में आप खींच लीजिए, उतने में ही सारा पॉइजन निकल जाता है। क्योंकि सांप जो पॉइजन छोड़ता है ब्लड में वो कुछ ज्यादा नहीं होता है, 0.5 मिलीग्राम के आसपास होता है, इससे ज्यादा नहीं होता, क्योंकि उसके दांत में इससे ज्यादा रह ही नहीं सकता। तो 0.5 2.6 मिलीग्राम है, दो तीन बार आपने ब्लड खींच लिया उसमें निकल गया। जैसे ही आप इसको खींचेंगे तो पेशेंट में आपको चेंजेस दिखाई दे जाएंगे, उसमें चेतना आ जाएगी, कॉन्शियसनेस आ जाएगी। सांप जब काट लेता है और उसके ब्लड में जहर आ जाता है तो व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है या सेमी कॉन्शियस होता है। जैसे ही आप खींचना शुरू करेंगे उसके ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को, उसमें कॉन्शियसनेस आ जाएगी। कॉन्शियसनेस आ गई तो समझ लीजिए अब वो मरेगा नहीं। तो ये उसके लिए फर्स्ट एड का आप काम कर सकते हैं। इसी इंजेक्शन को जो मैंने आपसे कहा कहां से कट करना है, जहां आप सिरिंज का निडल लगाते हैं, जहां सुई लगाते हैं, इसी इंजेक्शन को बीच से कट कर दीजिए, एग्जैक्टली बीच से, 50% इधर 50% इधर, बीच में कट कर दीजिए, तो पाइप और बड़ा हो जाएगा, उसका होल जो है ना और बड़ा होगा, और उसको रख के भी खींचेंगे तो एक बार में ही सारा ब्लड खींच लेता है। बड़ा इंजेक्शन लेंगे, बड़ी सिरिंज होगी तो जल्दी काम होगा। तो बड़ी सिरिंज लेकर आप इसको कर लीजिए। आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है, कोई फर्स्ट एड नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन पुराना धुराना कहीं इंजेक्शन पड़ा हुआ मिल जाए उसी के यूज से आप ये शुरू कर सकते हैं। ये फर्स्ट एड की बात है। दूसरा, एक मेडिसिन आप चाहें तो हमेशा घर में रखिए, बहुत सस्ती है, होम्योपैथी में आती है एक मेडिसिन, उसका नाम है नाजा, NAJA, नाजा होम्योपैथिक मेडिसिन है, किसी भी होम्योपैथी शॉप में मिलेगी, NAJA नाजा, और इसकी पोटेंसी है 200, नाजा उसके आगे लिखिए 200। ये मेडिसिन 5 मिलीलीटर खरीद के रखिए घर पर, 5 मिलीलीटर सफिशिएंट है, 100 लोगों की जान इससे बच जाएगी, और इसकी कॉस्ट सिर्फ 5 ही रुपए है, 5 रुपए में ही आती है। पटियाला में शायद थोड़े महंगे देते हैं, क्योंकि कल का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कल एक होम्योपैथी शॉप में गया था तो वो 10 रुपए मांगता है, तो ठीक है 10 रुपए। अदरवाइज ये मेडिसिन अगर आप दिल्ली से कहीं से, जलंधर से कहीं से खरीदेंगे तो 5 ml 5 रुपीज का ही आता है। इसकी एक बॉटल भी आती है 100 ml की, वो 60 या 70 रुपए में आती है, और 100 ml की बोतल से कम 10,000 लोगों की जान आप बचा सकते हैं जिनको सांप ने काटा। और ये जो मेडिसिन है नाजा, ये दुनिया के सबसे खराब सांप का ही पॉइजन है, जिसको मैंने बोला करैत, करैत का पॉइजन सबसे खराब माना जाता है दुनिया में। करैत के बारे में कहा जाता है कि अगर उसने काट लिया है तो फिर भगवान ही बचा सकता है, मेडिसिन भी जल्दी काम नहीं आती, उसी का ये पॉइजन है, लेकिन डाइल्यूशन में है, डाइल्यूट फॉर्म में है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं।
और आप आयुर्वेद का एक सिद्धांत जानते हैं, लोहा लोहे को काटता है, जब जहर चला जाता है शरीर में तो दूसरे जहर की मदद से ही वो बाहर आता है। तो आप इसको यूज करिए, नाजा 200 पोटेंसी लिक्विड फॉर्म में लीजिए, डाइल्यूशन में लीजिए। अब ये देनी कितनी है, एक एक ड्रॉप उसके जीभ पे डालना है, पेशेंट के जीभ पे एक बार डाल दीजिए, 10 मिनट बाद फिर और एक बार डाल दीजिए, और 10 मिनट बाद एक बार डाल दीजिए, बस तीन बार डाल के छोड़ दीजिए। ये पेशेंट की जिंदगी को हमेशा के लिए बचा लेगी। और मैंने आपसे कहा कि एलोपैथी में जो एंटी वेनम इंजेक्शन है वो अवेलेबल नहीं होते। आप अगर पटियाला का कोई सरकारी अस्पताल हो वहां जाके पूछे तो कहेगा नहीं अवेलेबल है, वो कहेगा चंडीगढ़ जाओ या कहेगा पीजीआई लेके जाओ। अब चंडीगढ़ आप लेके जा रहे हैं, पीजीआई लेके जा रहे हैं, वहां भी इंजेक्शन मिलेगा तो 10-15 हजार से लेके 20 हजार के बीच में उसकी कीमत है, और वो 8-10 इंजेक्शन ठोक देंगे एक साथ, कभी कभी 15 तक ठोक देते हैं इस तरह से। तो आपका 1,00,000 रुपए तो गया, 1.5 लाख तो गया, और यहाँ सिर्फ 10 रुपए की मेडिसिन में आप उसकी जान बचा सकते हैं। इंजेक्शन जितना इफेक्टिव है, मैं इस दवा की गारंटी देता हूं 100 टाइम्स ये मेडिसिन उससे ज्यादा इफेक्टिव है इंजेक्शन की तुलना में, एंटी वेनम इंजेक्शन की तुलना। तो एक ये जानकारी आप हमेशा याद रखिए अपने जीवन में, पता नहीं कब काम आ जाए। हो सकता है आपके ही जीवन में काम आ जाए, हो सकता है आपके फैमिली के किसी के या पड़ोसी के किसी के ये मालूम रहे आपके पास कि ये मेडिसिन नाजा है, अवेलेबल है। होम्योपैथी की किसी भी दुकान पे आसानी से मिल सकती है, आप जाके खुद खरीद के इसको घर में रख सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में ले लीजिएगा। जब भी किसी को सांप ने काटा है, इसकी एक एक ड्रॉप 10 मिनट के अंतर पर 3 बार जीभ पे डाल दीजिएगा, बस इतना सा ट्रीटमेंट। तो सांप के काटने का इलाज आप इससे कर सकते हैं, अपना भी दूसरों का भी। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।